बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आल फॉर यू कुकिंग एंड ब्लॉग के किचन में खुश आमदीद। आज मैं बना रही हूँ आलू और गोभी वाले, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी है, बहुत पसंद किए जाते हैं। साथ साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि मेरा वॉच टाइम जल्दी से पूरा हो जाए और आपको भी समझ आए कि मैं आपको क्या दिखाना चाह रही हूँ। और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, और नए आने वाले प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिले। एक अदद बड़े साइज़ की प्याज 100 ग्राम घी में मैं फ्राई कर रही हूँ, साथ साथ इंग्रेडिएंट्स भी बताती रहूँगी। और यहाँ पर लहसुन जो है ना वो मैं पीस रही हूँ, आप जिस तरह मर्ज़ी पीस लें लहसुन को, बेशक इस तरह पीस लें या फिर सिल बट्टे पे पीस लें, ग्राइंडर में पीस लें, जिस तरह आपका दिल करता है। लहसुन और अदरक को पीस लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर मैंने तकरीबन 8 से 10 जवे लहसुन के लिए हैं और 1-2 इंच का टुकड़ा है अदरक का, तो मैं साथ साथ इसको पीसती भी रहूँगी, लहसुन अदरक के पेस्ट बना लूँगी इन दोनों का, और प्याज भी फ्राई करती रहूँगी। बाकी चीज़ें जो हैं वो मैंने तैयार करके रखी हुई हैं, साथ साथ होती रहेंगी। जैसे ये गोभी और आलू मैंने यहाँ पर काट के रखे हुए हैं और धो लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर हो रही है प्याज भी हमारी ब्राउन, साथ साथ काम मैं करती रहूँगी ताकि जल्दी जल्दी से हो जाए, टाइम ज़ाया ना हो। और यहाँ पर 1 किलो चावल, तो चावलों को साफ़ करके मैं धोकर भिगो दूंगी। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 पाव गोभी ली है, आप अपनी मर्ज़ी से ले लें, और सब्ज़ियाँ भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन आलू गोभी वाले चावल बहुत मज़े के लगते हैं, और 1 पाव ही मेरे पास आलू हैं। क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से ले लें। मसाले भी मैं आपको बताती रहूँगी। प्याज को हम हल्का सुनहरी कर लेंगे, जो है हमने गोल्डन फ्राई कर लिया है, और हम लहसुन अदरक का पेस्ट मैं इसमें डाल देती हूँ, थोड़ा सा चिपक गया है इसके साथ, और इसको कर लेंगे हम थोड़ा सा फ्राई, ठीक है। और एक मिनट में इसे फ्राई कर लूँगी। ये प्याज का कलर मैंने थोड़ा इसलिए डार्क किया है कि चावलों में भी थोड़ा सा कलर जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। वैसे आप लाइट करना चाहते हैं तो लाइट रख लें, इसकी कच्ची महक जो है वो ख़त्म हो गई है लहसुन की, 1 से 1.5 मिनट फ्राई करने से लहसुन अदरक की। और अब जो है यहाँ पर मैं दही शामिल करूँगी। दही जो है ना वो मैंने फ्रीज़ करके रखी होती है, तो यहाँ पर मैं दही शामिल कर रही हूँ। तो आप बेशक फ्रीज़ शामिल ना करें, फ्रेश दही शामिल कर लें, लेकिन असल में मुझे लाने वाला थोड़ा सा मसला होता है, बच्चे स्कूल में होते हैं तो इसलिए मैं अक्सर जो है ना दही को फ्रीज़ कर लेती हूँ, वक्त की ज़रूरत फिर मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी। अच्छा जी, दही जो है देखिए अपना पानी छोड़ रही है साथ साथ, ठीक है। और अभी मैं जो इसमें मसाले शामिल करूँगी उसमें है पिसा हुआ धनिया, ये मैंने कूटा हुआ है भून के, 1 चाय का चम्मच दड़ा मिर्च, 1 चाय का चम्मच जीरा, 1 चाय का चम्मच गर्म मसाला मिक्स, 1 चाय का चम्मच भर के हल्दी, 1 चाय का चम्मच हल्दी मैंने इसलिए थोड़ा ज़्यादा डाली है कि इसमें जो है वो कलर जो है अच्छा सा हो जाएगा। तो हम मसाले को फ्राई कर लेंगे अच्छा सा, ताकि इसकी कच्चापन ख़त्म हो जाए, और ज़रूरत पड़ी तो मैं थोड़ा सा पानी भी शामिल कर दूँगी। तकरीबन 2 मिनट गुजर गए हैं, तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक भी शामिल कर रही हूँ ताकि सब्ज़ियों में टेस्ट आ जाए, क्योंकि सारा नमक मैं अभी शामिल नहीं करूँगी, वरना सब्ज़ियों में नमक जो है मुझे तेज़ लगता है। फिर आप चाहें तो यहाँ पर शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ नहीं डालती, मैं बाद में डालती हूँ, ठीक है जी। और मसाला हमारा तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं भूनते हुए, ऑयल ये देखें इसका छूट रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है ना अब मैं सब्ज़ियाँ शामिल कर दूँगी। सब्ज़ियाँ हमारे पास गोभी और आलू हैं, जो कि मैंने धोकर रखे हुए हैं काट के, और गोभी जो है ना थोड़े से बड़े टुकड़ों में है, इस तरह जो है गोभी जल्दी घुलती नहीं है और अच्छी लगती है चावलों में, ठीक है। ये देखें, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करिए ताकि मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाए। मैंने चैनल बनाया था इसीलिए कि थोड़ी सी मुश्किलात थी, उन मुश्किलात को दूर करने के लिए मैंने चैनल बनाया था, लेकिन मेरा वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा। मैं चाहती हूँ कि वॉच टाइम जल्दी से पूरा हो, चैनल मोनेटाइज हो जाए, तो इसके लिए आपकी हेल्प की ज़रूरत है। आप लोग प्लीज़ हेल्प करें वॉच टाइम पूरा करने में, वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि जल्दी से वॉच टाइम पूरा हो, चैनल मोनेटाइज हो जाए, और लाइक कमेंट शेयर भी लाजमी किया करें ताकि मुझे पता चले कि आप वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं।
और जब नए आने वाले हैं वो सब्सक्राइब करें तो फिर उसके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिले, वरना आप लोगों के सब्सक्राइब करने का कोई फ़ायदा नहीं। बहुत सारे लोग सब्सक्राइब करने के बाद वीडियोज़ नहीं देखते, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना जी। आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हैं, इतनी एफर्ट करते हैं, तो थोड़ी सी और करें कि वीडियो को वॉच कर लिया करें, लाइक का बटन दबा दिया करें और प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, तो बहुत अच्छा हो जाएगा सबके लिए। तो इसको हम फ्राई करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये देखें बहुत ही अच्छी सी फ्राई हो चुकी है और अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें मैं हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करूंगी, जितना कि मुझे चाहिए। तकरीबन 4 गिलास मैं इसमें पानी शामिल करूंगी ताकि सब्जियां भी गल जाएं और चावलों के लिए भी हमारे पास पानी बचे। 4 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल किया है और यहां पर अब मैं नमक शामिल करूंगी, तकरीबन 3 चाय के चम्मच नमक मैंने शामिल किया और इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं सिरका डालूँगी, एक तो इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा, दूसरा चावल जो है वो खिले खिले बनेंगे, ठीक है। और अब हम इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए ढक देते हैं ताकि आलू और जो गोभी है वो अच्छे से गल जाए। अच्छा जी, तकरीबन 7-8 मिनट हो गए हैं और अच्छे से गल गई हैं आलू भी और गोभी भी। अब हम चावल डालते हैं। चावल मैंने धोकर भिगो दिए थे, अब मैंने पानी इनका जो है वो ड्रेन कर दिया है, तो मैं डालती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आप नमक चेक कर सकते हैं, और वैसे तो जितना मैंने डाला था उतना नमक ठीक है। 1 पाव चावलों में हमारे यहाँ जो है वो 1 चाय का चम्मच नमक जो है वो बिल्कुल ठीक होता है। आप लोग ज़्यादा कम खाते हैं तो ज़्यादा कम कर लें, वैसे ये नॉर्मल जो है नमक, ये बिल्कुल वैसा नमक है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना चावलों को पानी भी हम चेक करेंगे और नमक भी, तो दोनों चीज़ें मुझे ठीक लग रही हैं। तो सारे चावल मैं इसमें डाल देती हूँ, अभी चावल पूरे नहीं डले, तो मैं फिर आपसे मिलती हूँ। ये चावल शामिल कर दिए हैं, अब हम इसको 3 मिनट तक ढक के पकाएंगे तेज आंच पे। हो गए हैं, ढक्कन उठाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और बस अब हमें देखना है कि हमें इसको कितनी देर में दम लगाना है। चम्मच जो है ना आपने इस तरह चलाना है कि यहाँ साइड से लेके जाएँ और नीचे से घुमा के ऊपर लाएं, इस तरीके से, ठीक है। इस तरह ना चावल टूटेंगे, ना गोभी, ना आलू। बस हम तकरीबन 1 मिनट के बाद हम इसको दम लगाएंगे, तो दम की तैयारी करते हैं, ढक्कन पे हम कपड़ा लगाते हैं। तो हम एक दफ़ा और चम्मच चलाते हैं क्योंकि पानी जो है वो ऊपर आ जाता है। और ये देखें, बस दम के लिए हमारे चावल जो हैं वो रेडी हैं। हमने ढक्कन पर कपड़ा लगा लिया है और ये देखें, और हम पहले 1 मिनट तेज़ आंच पे और उसके बाद तकरीबन 10 मिनट स्लो फ्लेम पर हम दम लगाएंगे। तकरीबन हो गए हैं 10 मिनट, तो चूल्हा मैं बंद कर दिया है मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह। चावल बहुत ही ज़बरदस्त हमारे तैयार हुए हैं, दम हटा दिया है मैंने, और ये देखें कि कितने ज़बरदस्त हैं। मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे आलू गोभी के चावल जो हैं वो तैयार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बने हैं, बहुत मज़े के बने हैं। आलू और गोभी भी देखें आपके खड़ी खड़ी है, तो सलाद भी मैंने साथ में बना ली है। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करें, और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि मेरा वॉच टाइम जो है वो जल्दी से पूरा हो जाए और मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। इसके लिए मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। बार बार मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को एंड तक देखा करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करें। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।